हेलो फ्रेंड्स, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से नया और इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वो ग्रुप डी को लेकर के है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CEN नंबर RRC 01 2019 लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया जो है उसको मैं पूरी तरीके से आपको एक एक करके बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन लिंक फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स एंड और सिग्नेचर एंड चेकिंग ऑफ अप्लीकेशन स्टेटस। तो यहाँ पर जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का जो मॉडिफिकेशन लिंक्स बोला गया था उसी को लेकर के यहाँ यह नोटिस दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर से जरूर देखिए। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को बताता हूँ। विथ रेफरेंस टू प्रीवियस नोटिस डेट 26/12/2021 इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट ए मॉडिफिकेशन लिंक इज गोइंग टू बी लाइव फ्रॉम 15/12/2021 ऑन ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs फॉर अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर ए फ्रेश एज ऑन टाइम अपॉर्चुनिटी टू दोज कैंडिडेट्स ओनली हुज एप्लीकेशन हैव बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड फोटोग्राफ और सिग्नेचर। तो यहाँ पे जो है 26/12/2021 को यानी कि 26 नवंबर को जो नोटिस आया था उसमें कहा गया था यहाँ पर मॉडिफिकेशन लिंक के बारे में। तो यही जो लिंक है वह 15 दिसंबर से आप लोगों को सभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRB के वहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वैसे कैंडिडेट्स जिनका जो है अप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है इनवैलिड फोटोग्राफ या सिग्नेचर की वजह से। तो यही है, तो आपको जो है 15 दिसंबर का यह लिंक मिल जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स में चेक देयर अप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड रिजेक्टेड बाई फिलिंग देयर अप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स जो फॉर्म फिलअप किए हैं वो अपना जो है अप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं, उसमें किसका एक्सेप्ट हुआ किसका रिजेक्ट हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेडी देयर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन मेंशन इन द CEN नंबर RRC 01/2019 अवेलेबल ऑन RRB's वेबसाइट। तो यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि वे अपना जो स्कैन फोटोग्राफ है और सिग्नेचर है उसको जिस प्रकार से मांगा गया है उस प्रकार से रेडी करके रखने के लिए यहाँ पे कहा गया है। साथ ही साथ में कैंडिडेट्स हुज अप्लीकेशन वेयर ऑलरेडी एक्सेप्टेड नीड नॉट अप्लाई अगेन थ्रू दिस लिंक। जिसका भी एक्सेप्ट हो गया है कैंडिडेट्स का अप्लीकेशन उसको ज़रूरत नहीं है, उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है उसको दोबारा से इस लिंक में जा करके अपने आप को फिर से वहाँ पे एक्सेप्ट कराने का अप्लीकेशन स्टेटस को। इम्पोर्टेंट जो दिया गया हुआ है बीवर ऑफ द डाउट्स हु मे मिस गाइड विद द फॉल्स प्रोमिस ऑफ गेटिंग देम इस जो दिया गया उसमें कहा गया कि किसी भी बहकावे में नहीं आना है, किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ना ये कहा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है RRB के नोटिफिकेशन में आपको बार बार जाके देखते रहना है ये भी कहा गया है। सोशल मीडिया में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है बताया गया। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज दैट दे शुड बी कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। यहाँ पे RRB के जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप लोगों को बराबर देखते रहना है जाते रहना है। और ये जो है आज ही का डेट है 5/12/2021 का और यहाँ पे चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आप देख सकते हैं। तो यही थे कुछ अपडेट। तो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट थी वह है कि 15/12/2021 से लिंक खुल जाएगा, वहाँ पे आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके अपना जो चीज़ें हैं वो डाल करके अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को मिला करके मॉडिफिकेशन को कर सकते हैं। तो यही अपडेट है। तो यह ग्रुप डी को लेकर के यह नया नोटिस जारी किया है RRB की ओर से। तो आप लोगों 15 दिसंबर को तैयार रहेंगे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजेक्ट हो चुका है।